भैंस को गुस्सा क्यों आया? संभल से खबर है, भैंस ने थाने में जमकर उत्पात मचाया। भैंस ने दारोगा को सींगों से उठाकर कई बार पटका। कोतवाली परिसर में खड़े वाहनों को भी रौंद डाला। कई घंटों के बाद पुलिस कर्मियों ने भैंस को पकड़ा। संभल सदर कोतवाली का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सद्दाम हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सद्दाम, ये बताइए कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़े इत्मीनान से दारोगा साहब अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं और ट्रक जैसी एक भैंस आमने सामने की भिड़ंत होती है और तस्वीरों में देखिए कैसे फुटबॉल की तरह रौंदती ले जाती है दारोगा साहब को। अब फिलहाल दारोगा साहब की सेहत, उनकी तबीयत कैसी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है, ये सदर कोतवाली संभल का ये पूरा मामला है और बताया गया है अचानक एक भैंस कोतवाली के अंदर आती है और उत्पात मचाना शुरू कर देती है। पहले तो वाहनों में तोड़फोड़ करती है, उसके बाद जो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी थे तो उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस भैंस को काबू में कैसे किया जाए। अचानक वहीं से अदालत से एक दरोगा जी थे, वो लौट कर आ रहे थे और उनको अंदाजा नहीं था कि एक भैंस है जो कि उत्पात थाने में मचा रही है। जैसे ही उसके पास से ये बाइक लेकर गुजरे हैं और भैंस ने इनको अपनी चपेट में ले लिया और सिंगों से इनको रोन दिया है। फिलहाल जो दरोगा जी की जो तबीयत है वो मामूली चोटें उनको आई हैं और गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से बचा है। और वहीं बात की जाए कि ये जो जो भैंस बताई जा रही है, इसके मालिक का फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि ये किसकी भैंस थी और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस भैंस का कटान होना था और कटान के दौरान ही भागकर थाने की तरफ आई और जो कि हड़बड़ाहट में थी और इसी कारण इसने थाने के अंदर उत्पात मचाया है। फिलहाल इस भैंस को काबू में कर लिया गया है और वहीं मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया था जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, अच्छा, और क्या क्या नुकसान पहुंचाया है इस भैंस ने? और आपने कहा कि कटान होना था, क्या बूचड़ खाने से भाग कर आई ये भैंस? जी, जो सूत्र बता रहे हैं कि बूचड़ खाने से ये भैंस आई थी भागकर, इसका कटान होना था जो जानकारी मिल पा रही है। और वहीं थाने में जो बाइकें खड़ी थी और अन्य वाहन खड़े थे उनमें भी इस भैंस ने उत्पात मचाया है और भी थाने के जो सामान थे उसमें तोड़फोड़ की है। बा मुश्किल इस भैंस को काबू में किया गया है और गनीमत ये रही है कि दरोगा जी की जान बच गई, क्योंकि जिस तरीके से गुस्साई भी है ये भैंस और जिस तरह से दरोगा जी पर हमला किया है, तो ये ईश्वर की गनीमत है कि दरोगा जी सही सलामत है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सद्दाम इस पूरी जानकारी के लिए आपका।